नमस्कार जोहार आदाब, मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और जैसे ही जब मालूम पड़ा कि दुमका नगर पालिका का जो सीट है वो अनारक्षित है, अब हर चौक चौराहे पर चर्चाएं होने लगी है। ऐसे में है आज हम दुमका नगर परिषद क्षेत्र के रसिकपुर एरिया में हैं और ये रसिकपुर चौक है और तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार जो वोट होगी और कितना कुछ बदला है इन 5 सालों में। तो चाचा, क्या नाम हुआ आपका? इंद्रजीत मंडल। किस कितने नंबर वार्ड में आपका घर है? कितना नंबर वार्ड में आपका घर? पंचायत के। आप पंचायत कहाँ हैं? आपका क्या नाम होचा? लक्ष्मण शर्मा। आपका कितना नंबर वार्ड में घर हुआ? 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कुछ बदला है इस 5 साल में? बदला है, क्या क्या उम्मीदें थी आपको बदलने का? रोड सब अच्छा बना है। इस बार तो आपको मालूम होगा कि सीट जो है जनरल हो गया है, मतलब अब महिला के लिए आरक्षित नहीं रहा, कोई भी लड़ सकता है। ऐसे में क्या कुछ इस बार का मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर आप लोग वोट देंगे? अब देखा जाए। समस्या क्या है आप लोग यहाँ का? कोई ठीक है, समस्या सब ठीक हो गया। चलिए, एक दादा मिले कि लगभग सब कुछ ठीक हो चुका है और भी है। चाचा, आपका कहाँ घर हुआ? वार्ड नंबर 1 पड़ता है। 8। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल धीवर। अच्छा, ये बताइए क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में, क्योंकि नगर पालिका का चुनाव कभी भी उसकी घोषणा हो सकती है, तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? अभी तो हम लोग को निकी झा ऐसे रोड फोर्ट साहब बना दिया, पोखरा नहीं कोड़ा रहा था, पोखरा भी कोड़ा ही हो गया, चारों तरफ रोड बना दिया पोखरा का, बिजली भी चारों तरफ लगा दिया उन्होंने, डेवलपमेंट किया मिक्की जा, तो रोड भी बन गया है। श्वेता जा, सॉरी मिक्की जा। हाँ, श्वेता जा, श्वेता। इसीलिए अभी स्थिति बढ़िया है हम लोग का, रोड फोर्ट सब बढ़िया है, पोखरा भी बड़का, पोखरा बड़ा मान है हम लोग रसिकपुर का, वो भी चारों तरफ पुणा दिया, बंधवा दिया, चारों तरफ इलेक्ट्रिक लगा दिया, जिम्स का वहाँ बच्चा खेलने का ये भी प्रोग्राम भी वहाँ लगा दिया अच्छा से, श्वेता झा अच्छा काम किया। अच्छा, इस बार का जो वोट देने जाइएगा तो क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार का वोट में? हम लोग को पानी बिजली ये सब चाहिए बस, बढ़िया से रेगुलर। अरे पानी का क्या समस्या है? पानी ठीक ठाक मिल रहा है? पानी टैंकर में पानी का तकलीफ है, कल फल बनता नहीं है, पानी तकलीफ पूरा है, पूरा तकलीफ है, पानी तकलीफ है, उसमें लाइन का डिस्टर्ब है, लाइन का नहीं, इतना इतना बिल आता है, साला गांड फाड़ देता है एकदम। हम लोग का देखिए, 1 नंबर वार्ड में पानी का तकलीफ एक हो गया, एक बार चबाकल खराब हो गया तो 1 महीना में बनता है। अच्छा, उसके बाद में लली गंदगी है, ये है अभी तक साफ नहीं हुआ, देखो अभी जाकर। अच्छा, उसके बाद क्या और जो मैंने कर दिया, लाइन का डिस्टर्ब, लाइन का सारा जाता है तो बात क्या, गरीब घर में कहाँ पे उतना ही, और इतना बिल आता है साला, गाड़ फाड़ के बिल आता है साला, 2 बिल और नहीं जाकर काट। तो ये बताइए, इस बार सीट जनरल है, उम्मीदवारी भी इस बार मजबूती से होगी, क्या माइंड मेकअप किए हैं, बदलाव होगा? आई वार्ड में तो बदलाव होगा, कई वार्ड में वो गुड़ता नहीं है, नाली साफ नहीं कराता, लेकिन ऐसे नगर परिषद में जो अध्यक्ष के लिए खड़ा होगा उसको तो हम लोग मिक्की झा को ही देंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ आप भी क्या नगर से ही हैं? जी हाँ। कितने नंबर वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार राय। ये बताइए इन 5 साल में क्या कुछ बदला आपके वार्डों में? कुछ नहीं। क्या उम्मीदें थी बदलने का? सारा चीज उम्मीद था कि, मैंने क्या क्या उम्मीद था, चाहे पानी की समस्या हो, अगल बगल की साफ सफाई की समस्या हो, ठीक है, और विद्युत का तो खैर छोड़ ही दीजिए, तो किसी को बोलेंगे तो वो तो बोलेगा कि वार्ड से तो कोई मतलब है नहीं। तो क्या कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला। कुछ बदलाव नहीं। शहर में क्या कुछ बदलाव हुआ? शहर में क्या बदलाव हुआ, जैसा जनरेशन चल रहा है उसके हिसाब से कोई बदलाव है ही नहीं। जिस तरह से नगर निकाय का हाकी चुनाव होता है उसके हिसाब से कि आदमी बोल के चले जाते हैं कि आपके गली मोहल्ले को साफ सफाई रखा जाएगा, आपको किसी चीज़ की सुविधा से अब तक नहीं किया जाए, कोई ऐसा कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा भी है कि आज के 5 साल तक में ऐसा है कि कोई ये देखने के लिए नहीं आया है कि मेरा नगर निकाय में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इस चीज से कोई अवगत ही नहीं है। वो पोखर की बात अभी चर्चा कर रहे थे, पोखर का क्या हाल है अभी आपके यहाँ रसिकपुर में? जो पोखर है
सारा का सारा पोखर के यहाँ का जितना भी है लोकल, ठीक है, यहाँ लोकल में पोखर में यहाँ बताते हैं कि एक वार्ड में पोखर नहीं है, ये रसीपुर में चार वार्ड पड़ता है और चार वार्ड में नगर निकाय का है कि चार वार्ड का ही चार पोखर में किसी का स्थिति सही नहीं है। नहीं अभी तो देख रहे हैं पोखर चकाचक है, बहुत सुंदर बनाया गया है। बनाया गया है कब बना है, इन 5 सालों में कब बना गया है, साफ है कि नहीं पूछ रहे नहीं, बना कब गया है कि जब अब जान रहे हैं कि अब चुनाव की गतिविधि अब चालू होगी उसके हिसाब से अभी कार्य चल रहा है, क्योंकि जानता है कि अभी हम कार्य नहीं करेंगे हमको वोट नहीं मिलेगा। चलिए यह आप भी अवगत हैं और हम लोग भी अवगत हैं। चलिए आप लोग भी यार नगर से ही हैं, शहर से ही हैं, क्या नाम हुआ? नहीं बोल पाएंगे। ऐसे कई मुद्दों पे इस बार बात होगी, कई लोग बात कर रहे हैं और साफ सफाई के बारे में बात हो रहा है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि बहुत कुछ बदलाव हुआ है और शहर जो है वो साफ भी हुआ है, पोखर में का भी जीर्णोद्धार हुआ है और वोट के दिन जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि आखिर शहर का जो सेहरा है, शहर का राजा कौन बनेगा। फिलहाल और कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों की बात हम करेंगे और उनके बीच भी जाने की कोशिश करेंगे किन वार्ड में इन 5 सालों में क्या कुछ बदला है। बने रहिए आप लोग जवानों के साथ, धन्यवाद।